ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी एक बार फिर अड्डा 247 में, और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, जहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर 1 फॉर टारगेट IBPS PO प्रे। तो यहाँ पर टारगेट क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं, तो बहुत टाइम से हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था भाई क्लास होगी, रेगुलर होगी, और बिल्कुल समय स्टार्ट हो गया है, सेशन का भी टाइम हो गया है, और हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें मैं आपको बता दूँ। इसलिए मैंने सेगमेंट वाइज जो चीज़ें डिसाइड की हैं, इस बार हम लोग जो लोग लेकर चलेंगे चीज़ों को, वो सेगमेंट वाइज लेकर चलने वाले हैं। हम लोग एक एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करेंगे। आज लेकर आया हूँ आपके लिए फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग आप बहुत टाइम से कर रहे थे, मैं भी आपको करा रहा था, चाहे मैंने RRB में कराई हो, चाहे SBA में कराई हो, चाहे इधर उधर की हो, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को कर रहे हैं, और बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे कि सर जब भी मैं क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करता हूँ या करती हूँ तो हो तो जाता है, लेकिन बहुत टाइम मेरे दिमाग से बाहर निकल जाता है। तो आज मैं आपको एक एडवाइस देने वाला हूं। मैंने अभी तक खुद YouTube चैनल पर 100 से 200 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ा दिए होंगे, और आज फिर से मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें अप्रॉक्स मैक्सिमम लॉजिक्स और क्वेश्चन नए होंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो नए पर नए बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। एग्री करते हो कि नहीं, सही बताओ, क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, जिंदगी भर बनते रहेंगे, येस और नो, जवाब दीजिए। अगर मैं 10,000 क्वेश्चन भी बना दूं तो एक क्वेश्चन फिर से नया हो जाएगा, 20,000 बना दूं फिर से एक नया हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग फोकस करें अपने टैलेंट पर, अपने स्किल पर, अपनी अप्रोच पर, तो हमारा फायदा ज्यादा होगा और हम कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। तो एक तो आप प्रॉमिस कीजिए, एक तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग अपनी एक नोटबुक बनाएंगे अलग, ठीक है, उस नोटबुक में जो मैं कराता हुआ चलूंगा बिल्कुल अलग अलग रखिएगा, जिससे कि आप जब एग्जाम से पहले उसको देखें तो जरूर आपको ये चीजें एक कलेक्टिव फॉर्मेट में एक चीज नजर आए कि हाँ ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको मैं पढ़कर जाऊं तो शायद मेरा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो एक नोटबुक बनाइएगा जिसमें कॉन्सेप्ट अलग लिखते रहिएगा। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं वो ईजी होते हैं, वो तो हो जाएंगे, वो अलग रखिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, जो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते उनका कॉन्सेप्ट और लॉजिक, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट और लॉजिक, सर स्क्रीन दिखा दीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनका कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको लिख लेना है, ठीक है माय डियर, उनका लॉजिक और कॉन्सेप्ट लिख लेना है, जिससे कि जब एग्जाम से पहले वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट, आपके पास एक बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा कि ये वो लॉजिक्स हैं जो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक को अपनी नोट्स उनके अलग बना लीजिए कि ये भाई जब ये क्वेश्चन आया था तो मुझसे हुआ नहीं था, चाहे वो स्पीड टेस्ट का हो, चाहे वो किसी बुक का हो, या वो क्वेश्चन हो जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, सही है, इतना काम तो कर सकते हो ना, इतना काम कर लोगे, प्रॉमिस कीजिए आज से ही नोटबुक बनाएंगे। देखो मैं पढ़ाऊं या अरुण सर पढ़ाए या कोई XYZ पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, आपको फायदा होना चाहिए, मेन थीम यही है, आपका बेनिफिट होगा तभी तो फायदा है। और बेनिफिट केवल पढ़कर मजे मत लीजिए कि पढ़े मजे लिए चले गए, पढ़े मजे लिए चले गए, ऐसे नहीं करना है, हमें सीखना है और हमें चाहिए सिलेक्शन। तो मैं फर्स्ट डे है तो मैं आपको फर्स्ट डे ही बता रहा हूं, अपना एक नोटबुक बनाइएगा जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वहां पर आप डेली जो मैं पढ़ाऊंगा वो करिएगा, दो नोटबुक बनाइएगा, एक में तो जो आपसे कर रहा हूं मैं वो करते रहिएगा, और दूसरे में वो सारी चीजें जो आपसे नहीं हो पा रही हैं, जो आपसे नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, याद रहेगा, इतना कर लोगे, इतना तो कर सकते हो ना, जब एक नई शुरुआत की है तो एक नई शुरुआत एक नई सोच के साथ एक सही ढंग से, नई शुरुआत नई सोच और सही ढंग, ये आपको लेकर चलेगा आपके सिलेक्शन के रास्ते की तरफ। आज मैं आपको कराने वाला हूं 30 क्वेश्चंस, मींस मैं आपको 6 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, बंच ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको सोचना होगा, लॉजिक आपको लेने होंगे, और आज ही आपने अभी जो प्रॉमिस किया है आप क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इंप्लीमेंट दो बुक, एक में जो मैं करा रहा हूं डेली वो करेंगे और दूसरे में वो लिखेंगे जो लॉजिक आपसे क्रैक नहीं होंगे। तैयार है, तैयार है आप लोग, चले क्वेश्चंस पर, तो रेडी है तो लिख दीजिए यस सर, वी ऑल आर रेडी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हम लोग टॉपिक वाइज भी क्लासेस करेंगे और बीच बीच में हम लोग बंच में भी तैयारी करेंगे। और पहला ही डे है तो मैं आपको बता दूं, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता तो रेगुलर क्लास चलेगी,
ऑल्टरनेटेड डेज पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, लेकिन जैसे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाता है और जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो डेली आपकी क्लास चलेगी विदाउट फेल, ठीक है, बेहतर है। तो एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नया जोश, एक नए जज्बे के साथ हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं मैं, 1.5 से 2 मिनट का आपको समय दूंगा अप्रॉक्स, 1 से 2 मिनट का समय दूंगा, 1 से 2 मिनट, और अप्रॉक्स 10% लोगों का जो क्वेश्चन पहले कर लेंगे, या तो 1 से 2 मिनट का समय, सुन लो फिर से, मैक्सिमम 2 मिनट का समय मिलेगा, या फिर 10% स्टूडेंट जो आंसर पहले कर लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास समय है कम। चले तो ऑल द बेस्ट, सभी को लॉजिक पहचानिएगा क्योंकि लॉजिक में ही है सारा खेल, उसके बाहर कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एक स्क्रीन दे रखी है, एक पैसेज दे रखा है, 4 लाइन का है, 4 कोड दे रखी है, कोड लाइन्स दे रखी है जहां पर लेटर पर नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन है। तो अब आज आपका फर्स्ट काम यह है, 30 क्वेश्चन में से चेक कीजिएगा अपने आप को कितने क्वेश्चंस के लॉजिक आप ढूंढ पाए। और मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं आपके खुद के इसी YouTube चैनल पर 100 से 200 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज नई शुरुआत करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, और अब डेली ही ऐसी पढ़ाई करेंगे हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। वैभव, मेघनाथ, हेमंत, क्विकली थोड़ा स्पीड से बढ़ाओ यार, और जिसको कंप्लीट आ जाए वो लिख दीजिएगा डन। तो 1700 व्यूअर्स यहां जो आ गए हैं, मैं उनसे बोलूंगा 30 क्वेश्चन, आपको निराशा नहीं होगी, पूरे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, मजा आ जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट, पहला क्वेश्चन दूसरे से अलग, दूसरा क्वेश्चन तीसरे से अलग, और मैंने जो स्टेप्स बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं कि आपको कुछ सीखने को मिले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है तो क्वेश्चन है यार, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है तो सीधा ही है, आपको एग्जाम में भी चाहे इंग्लिश में क्वेश्चन हो चाहे हिंदी में क्वेश्चन हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, बेटा एग्जाम में ऐसे ही आएगा, हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट नहीं है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ आर सेम। सोनू कुमार आपका नाम ले लिया, डन डन डन, टाइम भी खत्म होने वाला है, नहीं आ रहा सर, मुझे नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले सबसे इजी चीज चलते हैं, देखो बहुत सारा लॉजिक तो ये होता है कि लेटर्स के ऊपर ही क्वेश्चंस होता कि लेटर 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 चल रहे, कोई ऐसे, अच्छा मुझे आप में से ही बताओ, लेटर नंबर और सिंबल अगर देखें हम, 5 लेटर यहां है, 3 लेटर यहां है, 2 लेटर यहां है, 4 लेटर यहां है, 5, 3, 2, 4। तो बहुत बार देखा गया है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट, ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इवन ऑड, 5, 3, 2, 2। तो 2 देखो इवन नंबर है, 2 4, और 2 ऑड नंबर है, 3 5, 2 ऑड नंबर, 3 5, 2 इवन नंबर, 2 4। अब देखो 2 वाले में मुझे नजर आ रहा है 2 का 4, 4 का 8 हो सकता है, 3 का 9, 5 का 15 हो सकता है, ऐसा सिंपल नजर आ रहा है। फिलहाल एक झलक में मैंने देखा तो मुझे नजर आया जहां पर 2 लेटर थे तो 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 लेटर थे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लेटर थे तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 लेटर थे तो 3 से मल्टीप्लाई। रीजन, मेरे पास नंबर 4 है, 8 है, 9 है, 15 है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी से चीजें दिखने लगेंगी। क्लियर है ये बात, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ऑड नंबर्स ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्लियर है, ये बताओ पहले। तो धीरे धीरे लेवल आपको खुद ही दिखता रहेगा बढ़ता हुआ, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर, सही है। अब ये तो हो गया इवन ऑड का कंसेप्ट, इवन ऑड का कंसेप्ट सही। अब आगे चलता हूं, आगे देखता हूं आगे क्या है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये एल नजर आ रहा है 2 बार, एल और एल, 2 बार एल नजर आ रहा है।
तो दो वाले में एल कहां से नजर आएगा, ओ का ऑपोजिट एल, चार वाले में एल ओ का ऑपोजिट एल, तो मुझे नजर आ रहा है दोनों बार यार ओ का ऑपोजिट किया। तो ध्यान दो, यहां पर सेकंड लेटर ओ है, यहां पर भी सेकंड लेटर ओ है, यहां सेकंड लेटर आई तो आर, आर का ऑपोजिट आई, यहां सेकंड लेटर ई तो ई का ऑपोजिट वी, तो मुझे लेटर मिल गए ऑपोजिट ऑफ सेकंड लेटर। और मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, आज के कॉन्सेप्ट आपकी नींद उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ऐसे लॉजिक्स होते हैं लेकिन मैं पकड़ नहीं पाता हूं या पकड़ नहीं पाती हूं, ऐसे लॉजिक आज आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा हाँ सॉलिड लॉजिक है। अब ये मुझे सिंबल का लॉजिक मुझे बताओ, बस सिंबल का लॉजिक, मुझे लेटर का लॉजिक मिल गया, मुझे नंबर का लॉजिक मिल गया, मुझे सिंबल के लिए बताओ सिंबल में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि सिंबल के लिए बहुत कम लोगों ने, जिन्होंने डन लिखा था मैं उनसे कहूंगा वो कमेंट करके बताएं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, लेटर है सेकंड लेटर का रिवर्स, लेटर आ रहा है सेकंड लेटर का रिवर्स, ई का अपोजिट आई, आर ई का वी, आर का आई, ओ का एल, ओ का एल, लेटर था सेकंड का अपोजिट, नंबर जो है 4, 8, 9, 15 इवन नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय 2, ऑड नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई बाय 3, मुझे वो बताइए आप लेटर ये सिंबल कहां से आए हैं। अच्छा दो लेटर के लिए परसेंटेज बोल रहे, तो मैं चेक कर लेता हूं दो लेटर के लिए परसेंटेज क्या, सही है बात, तो अगर नंबर ऑफ लेटर दो होंगे जैसे टी और टू में थे नंबर ऑफ लेटर टू तो परसेंटेज आया, नंबर ऑफ लेटर टू तो परसेंटेज आया, नंबर ऑफ लेटर दो के साथ परसेंटेज बोल रहे थे लेकिन यहां तो थ्री के साथ भी परसेंटेज है, यहां तो थ्री के साथ भी परसेंटेज है भैया, यहां देखो परसेंटेज एयर के लिए, यहां देखो परसेंटेज वे के लिए, तो भैया कुछ और बताओ, दो के लिए परसेंटेज तो है, कोई और लॉजिक बताओ, दो वॉवेल के लिए एट द रेट, किसी ने कहा सर दो वॉवेल के लिए एट द रेट, दो वॉवेल के लिए एट द रेट, फंस गए भैया, सिंबल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, किसी ने कहा सर सिंबल बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, किसी ने कुछ कहा स्क्वायर के साथ परसेंटेज, तो देखो यहां पर मैं आपको इसमें पहले ही क्वेश्चन में, आज आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैं यहां पर बात करूं टाइम हो गया, देखो मैंने कहा था 2 से 2 मिनट का समय दूंगा, वो भी खत्म, हम लोग साथ में सीखेंगे, 2 मिनट का समय भी खत्म और आपके 10% लोगों के आंसर भी खत्म, लेकिन किसी का भी अभी तक सिंबल का लॉजिक मुझे सॉलिड नहीं मिला है, तो मैं क्या करता हूं ये आपको डाउट में छोड़ता हूं कि सिंबल के आप कमेंट करेंगे मुझे कि भाई सिंबल सर मुझे तो ये लिख रहा है, तो आज पहले ही दिन होमवर्क की बात करते ना आप लोग, होमवर्क तो पहले ही दिन पहले ही क्वेश्चन में होमवर्क, जो आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे वो क्वेश्चन होमवर्क, तो सिंबल आपको मुझे ढूंढकर बताना है, मैं चलता हूं बाकी के क्वेश्चन पर, अगर याद आ जाए तो लिख बता दीजिएगा लास्ट तक, ठीक है बेहतर रहेगा, फंस गए फंस गए फंस गए भैया फंस गए, बिल्कुल फंस गए, अगले क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को 30 क्वेश्चन कराने, पहले क्वेश्चन का समय खत्म, अब इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि भाई सिंबल का लॉजिक आप बता ही नहीं पा रहे हो, अगर लास्ट तक का समय अगर बता दिया तो आपको मैं बता दूंगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 10, बेहतरीन रहा ना, आप ही बताओ बेहतरीन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप फंस गए और फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारी चीजें आपको बता दी गई कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपकी आज से ही पढ़ाई शुरू, जज्बा शुरू, मेहनत शुरू, पहले क्वेश्चन से ही मेहनत शुरू कर दो, कोई दो के लिए परसेंटेज बोल रहा है, कोई नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से बोल रहा था, कोई सिंबल बोल रहा था, नहीं मिंटू दास सेकेंड क्वेश्चन बताओ अब आप, सॉलिड पूरे के पूरे सॉलिड क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं,
मैं चाहूंगा हमारी टीम से मुझे कमेंट्स नजर आए, क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया लग रहा अभी। चार्जर लगा दो भाई इसका। बहुत बढ़िया आंसर, इस बार आंसर थोड़े पहले से तेज आ रहे हैं। डन डन डन, इस बार मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया भैया डन। इतने मेरे कमेंट सही हो जाएं, जरा आप लोग करते रहो। नहीं हो रहा चार्ज। चलो भैया बहुत बढ़िया। सर मुझे स्क्रीन पर दिखाया जाए। सर स्क्रीन पर दिखाया जाए वापस। देखो मैं आपको बताऊं यहां पर, क्योंकि इसको आपने लॉजिक पकड़ लिया है, तो इसके लिए अगर लॉजिक साइड में क्वेश्चन के साथ इसके लॉजिक की मैं बात करूं, तो देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है। इस बार पहले वाले से शायद इजी पड़ गया, ये पहले वाले से इजी पड़ गया। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, W की वैल्यू 23, L का अपोजिट O होता है, O की वैल्यू 15, Y का B, B की वैल्यू 2, S का H, H की वैल्यू 8। नंबर तो सिंपल समझ में आ गई। यहां पर दो ही लॉजिक थे, लेटर और नंबर। नंबर तो पता लग गया, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, नंबर तो मुझे पता लग गया। अब मुझे एक और चीज समझ में आ रही है, ये सेकेंड लास्ट लेटर A का Z और O एज इट इज, शायद सेकेंड लास्ट लेटर E का V और R एज इट इज, सही है। सेकेंड लास्ट लेटर O का L और O सेकेंड लेटर एज इट इज, सेकेंड लास्ट लेटर U का F और सेकेंड लेटर एज इट इज। तो भैया ये लॉजिक है जो सिंपल, देखो इस बार मैंने केवल लेटर, मैंने पहले कहा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके चढ़ाना सिखा रहा हूं। अगर देखोगे आप इसमें याद कर लो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और ऑपोजिट याद कर लीजिए, आधी आधा कलेश तो इसका वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की आधा झंझट तो तभी हट जाएगा, और प्रैक्टिस रेगुलर बेस पर करते रहिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा। सही है, किस किस का सही हुआ ये वाला जरा लिख दो। यस सर डन। सेकेंड वर्ड वाला देखो, सेकेंड वर्ड फिर से बताता हूं। देखो चार लेटर है, लास्ट में डी, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 23। छह लेटर है L, L का उल्टा O, Y का उल्टा B, S का उल्टा H, नंबर ये आ गए। अब रोड में है A, A का अपोजिट Z, O एज इट इज, यहां पर E का अपोजिट R, E का अपोजिट V और R एज इट इज, मतलब सेकेंड लेटर तो एज इट इज आ रहा है और सेकेंड लास्ट जो है उसका अपोजिट, सेकेंड लास्ट O का अपोजिट L और सेकेंड लास्ट लेटर एज इट इज, सेकेंड लेटर एज इट इज, सेकेंड लास्ट U का अपोजिट F और सेकेंड लेटर एज इट इज, सही है। तो चलता हूं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स हैव अ लुक। चलो इसको सॉल्व करो, ये भी सॉलिड क्वेश्चन है। इसका लॉजिक तो अभिलाषा बोल रही है सर 30 सेकंड में ही आ गया था इससे पहले वाले का, वेरी वेल डन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसके आगे आने वाले क्वेश्चन जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे आपके लिए और टफ होता रहेगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा। मेन है हमारा काम आपको ऐसे तैयारी कराना कि आपको लगे कुछ फायदा हो रहा है। प्रियंका सिंह बोल रही है सर कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो एक टीचर वो होता है जो ऐसे क्वेश्चन का फ्रेमिंग करे, पहला क्वेश्चन बहुत टफ, दिमाग को सोचने पर मजबूर किया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने जो थोड़ा इजी लॉजिक रखा, थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर नंबर और ऑपोजिट आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन में कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। हमारा काम ये नहीं होता आपको क्वेश्चन कराते रहे कराते रहे कराते, हमारा काम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पहुंचाना कि आपको लगे कि हाँ यार मैं कुछ कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अब ये क्वेश्चन फिर से एक सॉलिड आ रहा है और इसके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टफ क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। फास्ट क्विक, यहां पर केस थोड़ा डिफरेंट है, कभी दो लेटर नजर आ रहे हैं, कहीं एक लेटर नजर आ रहा है, तो थोड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से। भैया मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद लगेगा हां यार ये था कुछ सॉलिड।
राजेश ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। हिमानी, देवेश, योगिता, डन डन डन, संजू, अमान, ये जिनका कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फिर भी 30 सेकंड रुकूंगा जिससे और लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, कोशिश करें। देखो मैं सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं अपनी अप्रोच बताता हूं। देखो आप अप्रोच से सीखो। मेरी अप्रोच क्या होगी यहां पर, मुझे नजर आ रहा है एट द रेट हैश हैश सब जगह एट द रेट भैया, और फिर देखो एट द रेट और हैश। तो मैं सबसे पहले, मेरी अप्रोच होगी लास्ट लाइन से ही मैं चेक करूं, सिंबल को चेक करूंगा मैं सबसे पहले कि भाई तीन बार एट द रेट और एक बार हैश क्यों। तो देखता हूं काउंटिंग ऑफ लेटर, चार लेटर, दो तीन पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह लेटर, दो लेटर और दो चार छह तीन नौ। समझ आ गया। इवन नंबर ऑफ लेटर होंगे तो सिंबल आएगा एट द रेट, इवन नंबर के साथ एट द रेट आएगा और ऑड नंबर ऑफ लेटर के साथ आएगा हैश। सही है, सही बात। अब यहां पर ये लॉजिक ढूंढना है, ये पांच कहां से आया। आप देखो यहां पर ही देखो पांच कैसे आएगा, चार ये रहा एक ये रहा पांच हो गया, चार ये रहा एक ये रहा पांच हो गया, और z कैसे आ जाएगा, a का z, a का z। ये देखो आप कैसे ढूंढते हो क्वेश्चन को, ये आपके ऊपर है। उसने सर मुझे स्क्रीन पर दिखाओ, एक बार मुझे दिखाओ स्क्रीन पर पूरा जूम, समझना बहुत ध्यान से, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, मुझे बीच में आना पड़ा। वो आपको हिंट देता है, वो आपको लॉजिक्स देता है, लॉजिक कितनी जल्दी आप पकड़ पाते हो, कितनी देर में आप पकड़ पाते हो, और आपकी अप्रोच क्या है, इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। मैं आपको केवल क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं आपको केवल ट्रिक्स बता सकता हूं, लेकिन एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन थोड़ी नहीं दिया है, एग्जामिनर इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन देगा, सेम ये क्वेश्चन नहीं देगा, मेरी बात समझना, एग्जामिनर इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन देगा। और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, आपकी अप्रोच सही है, आप अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को, सीखते हुए चल रहे हैं, तो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सही है सर, वापस दिखाइए क्वेश्चन के साथ। सर क्वेश्चन के साथ दिखाइए, हाँ देखो आखिरी लाइन से लॉजिक क्लिक करेगा, क्योंकि एट द रेट तीन बार था, हैश दो बार था। अब यहां पर मुझे एक और चीज दिखाई दी, डेटा के साथ फाइव नंबर कैसे आया, चार और एक पांच आ सकता है, ए का जेड आ सकता है। अब आगे देखो यहां कितने सारे लेटर है, दूसरे वाले में देखो, यहां देखो आर वी वी जेड आर एल, आई का आर, ई का वी, ए का जेड, आई का आर, ओ का एल। तो भैया ये जितने भी वॉवल्स हैं उनका अपोजिट चल रहा है यार। और 23 कहां से आया, तो देख लो 23 कैसे आएगा, सबसे पहला लेटर आई, लास्ट का एन, आई की वैल्यू नो, एन की वैल्यू 14, दोनों को ऐड कर दो 23। सही है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर, और लेटर्स कहां से आए हैं, ऑपोजिट ऑफ वोवेल्स। कैसा क्वेश्चन लगा जरा मुझे अपने कमेंट बता दो यार, देखो बहुत मेहनत करके मैंने प्रिपेयर किया है, और जैसा आप बोल रहे हो कॉन्सेप्ट सर सिस्टमैटिक वे में क्लास, तो सिस्टमैटिक वे में है क्लास, स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, वो क्वेश्चन नंबर 16-20 जब आएगा ना, वो मजबूर हो जाएंगे लाइक करने पर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पर। तो भैया जिनको पसंद आ गया वो लाइक कर दो, जिनको नहीं पसंद में आया वो मुझे बता दो कि दिक्कत क्या हो रही है, गारंटी दे रहा हूं अगला क्वेश्चन देखने के बाद, जैसे ही 16-20 क्वेश्चन नंबर आएगा, आप लोग भी उसका लॉजिक देखने के बाद मजबूर हो जाएंगे लाइक करने पर, गारंटी है। तो सेशन कैसा चल रहा है जरा अपने कमेंट दे दो, अभी आधा टाइम हुआ है और 15 क्वेश्चन खत्म, बाकी के 15 क्वेश्चन के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग खुद ही लाइक करके जाओगे। कैसा चल रहा है सिस्टम ये बताओ, क्लास कैसी है, सॉलिड, मजा आ रहा है, सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। बेसिक तो यार मैं आपको कितनी बार सिखा चुका हूं कि लेटर इवन होंगे तो देख लेना, ऑड होंगे तो देख लेना, फर्स्ट लेटर देख लेना, लास्ट देख लेना, जनरली यहीं पे क्वेश्चन बनता है। लेकिन जब नए शरीर से शुरुआत करिए तो एक बार फिर से सब कुछ कंबाइन करके चल रहा हूं, लेकिन पहले वाली क्लासेस भी आप देख ले, बहुत नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सुपर्ब। अगले क्वेश्चन पे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो मजबूर हो जाएंगे लाइक करने पर, गारंटी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चलो भाई क्वेश्चन 16 से 20 करिए, ना मजा आ जाए तो बताना।
वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन। चलो लाइक बढ़ गए बोलते ही, चलो अच्छी बात है। मैंने खुद ही लिख दिया वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, मैं फिर से बोल रहा हूं। जिसने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक दिमाग चलाया होगा बीच बीच में, वो हाथ पैर लगाएगा, पहुंचेगा वहां तक, नहीं भी पहुंचेगा, पहुंचेगा ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने कंप्लीट पूरा जोश जज्बे के साथ जुड़ा हुआ होगा उससे हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर्स तो आ गए, नंबर्स तो सर आ गए कि सर 5, 4, 5, 6 है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लेटर का, मुझे लॉजिक बताओ, लेटर का लॉजिक क्या है, लेटर का? चित्रंजन दास बेटा आपका नाम ले लिया, विनोद, राम, झलक, जयश्री, और ये क्वेश्चन मैंने एसबीआई में भी कराया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं एसबीआई में भी करा चुका हूं, आरआरबी में भी, और आपको भी करा रहा हूं, क्योंकि इसका लॉजिक भूल जाते हैं बच्चे, और बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है ये। क्यों, रीजन है क्यों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आयुष, देवेंद्र, ममता, नरेश, तारा मिश्रा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो आपको यहां तक ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई देखो सर 5 लिखा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक। आगे चलता हूं, 4, 5, 5, 5। अब मुझे देखो, मैं ऊपर वाली लाइन पे नहीं, मैं नीचे वाली लाइन पे जाऊंगा, मुझे ये दिखाई दिया, इस वाली लाइन पे जाऊंगा। देखो 5, 5, 5, समझना लॉजिक, नंबर तो आ गया, लेटर का समझना। जब भी 5 आ रहा है तो 5 के साथ यू आर ई वी आ रहा है, 5 जब भी नंबर ऑफ लेटर हो रहे हैं तो यू आर ई वी आ रहा है, ऐसा क्यों? मुझे बताओ यू आर ई वी क्यों, इसका लॉजिक बताओ, यू आर ई वी क्यों? क्वेश्चन लिखा सर मेरी पहुंच से ही दूर है ये, क्यों यू आर ई वी क्यों? यू आर ई वी क्यों, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। वेरी गुड, देखो 5 कैसे लिखा जाता है, समझ लेना जिन लोगों को गलत था, एफ आई वी ई 5, एफ आई वी ई 5। अब भैया बहुत ध्यान से देख लेना जिनको समझ में नहीं आया था, एफ का उल्टा यू, आई का उल्टा आर, वी का उल्टा ई, ई का उल्टा वी, मतलब इन्हीं का ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ काउंटिंग ऑफ लेटर, F का U, I का R, V का E, E का V। अब क्रॉस चेक करो, 4 के साथ U L F I, 4 के साथ U L F I, तो मैं इसको क्रॉस चेक कराता हूं, U L F I किसके साथ, 4 के साथ, F O U R, सही बात है, 4 के साथ U L F I। अब देखो F का उल्टा U, O का उल्टा L, U का F, R का I, तो भैया सही ये बात है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उनका ऑपोजिट चल रहा है, बस, क्लियर, सही है, सुपर, बेहतरीन क्वेश्चन। तो भैया लाइक्स बढ़ा दो, मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन और बचे मेरे पास, 21 से 25, 26 से 30, और अब होगी अग्नि परीक्षा। अब मैं लिख भी देता हूं, लेकिन मुझे आपके लाइक्स चाहिए पहले। देखो मैं तो लाइक के लिए बोलूंगा, मुझे पता कैसे लगेगा कि आप, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, खराब पढ़ा रहा हूं। तो अब है अग्नि परीक्षा राउंड, अग्नि परीक्षा राउंड है अब, क्वेश्चन नंबर 21 से 30, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 अग्नि परीक्षा राउंड होगा। पहले मैं ये बोलूंगा भैया लाइक कर दीजिए, क्यों, मुझे नहीं पता लगेगा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। 1850 लोग यहां देख रहे हैं और 889 लाइक है, 23 डिसलाइक है, चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, लाइक है डिसलाइक एक चीज कर दो। देखो ये मेरे को कहना पड़ेगा, रीजन है, बहुत से लोग नहीं कहते लेकिन मैं कहता हूं, बताता हूं क्यों।
मुझे नहीं पता लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ आप कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं, मुझे ये तो पता है ना, एटलीस्ट 24 लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया और 976 लोगों को आ गया, है ना, मुझे एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है ना कितने लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ 1000 लोगों को आ गया, 25 लोगों को नहीं आया, तो ये बता दीजिए, अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। अब अगले क्वेश्चंस आपके लिए और सॉलिड होने वाले, समझ में आ रहा है तो बता भी देना, हाँ सर मजा आ रहा है और ऐसे ही और क्लासेस चाहिए। तो 1900 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, चाहे लाइक चाहे डिसलाइक पर। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, ऑल द बेस्ट सभी को। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 आपके स्क्रीन पर आ गया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पहले वाला कर लिया होगा 16 से 20 वो 21 से 25 कर लेगा, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट लॉजिक और डिफरेंट मेथड्स के साथ हम लोग यहां पर हैं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा, आप घबराइए मत। अटेंडेंस कर दिया ना कॉलेज में, अटेंडेंस लगा दो चाहे लाइक पर चाहे डिसलाइक पर। अभी तक 1132 अटेंडेंस आई है, अभी तक 900 लोग अपसेंट हैं, 900 लोग ऐसे हैं यहां पर जिन्होंने कोई मार्क नहीं किया, नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। शो योर प्रेजेंस माय डियर, इधर लाइक और डिसलाइक। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, दिमाग चलना शुरू हो गया भाई, दिमाग चलना शुरू हो गया। आंसर ये उससे भी सॉलिड था लेकिन दिमाग चलना शुरू हो गया है। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात शेयर करना कि भाई रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई यूट्यूब पर अपने 5 बजे के शेड्यूल पर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैंक के लिए और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। पहले देखो सैटरडे हम ऑफ छुट्टी मना देते, अब सैटरडे भी क्लास होगी, सुन लेना जीडी ग्रुप डी के लिए। चलो चलता हूं मैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पर, क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो नंबर ऑफ लेटर 2, 4, 4, 6। अब दिमाग में खुद ही क्लिक कर गया कि यार 49 लिखा है, 16 लिखा है, 6 नहीं 7 है, 16 लिखा है, 4 लिखा है। भैया 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 7 का 49। क्लियर, ये बात क्लियर है, किस किस को क्लियर होगी लिख दो सर, मेरे को आ गया था, ये बता दो पहले। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर, नंबर्स कहां से आए हमारे पास, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर, क्लियर, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात सुनना, अगर हम लोग, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, ये वाला, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना और एग्री करते हो तो बता देना, अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, FIVE वाला, इस तरह का, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आपका दिमाग इतनी तेजी से इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ सकता था, एग्री करते हो, नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिल पाता ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से नहीं कर पाते। तो 1950 लोग यहां देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, अब यहां एट द रेट हैश चल रहा है। तो देखो ऊपर वाले में देखोगे 3 बार एट द रेट है, एट द रेट। रीजन 2 लेटर 4 लेटर और 4 लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर आएंगे तो सिंबल आएगा हमारे पास एट द रेट, ऑड नंबर ऑफ लेटर होंगे तो सिंबल आएगा हैश। सिंबल भी पता लग गया, आखिरी क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने में छीके आ जाएंगी, जब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 पर आओगे तो बोलोगे हां सर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है उसको भी मुझे फर्स्ट वाले की तरह होमवर्क में देना पड़े, हो सकता है उसको भी होमवर्क में देना पड़े आप लोगों से आंसर ना निकले। इसलिए डेडिकेशन के साथ देखते रहो, मजबूर हो जाओगे, इस क्लास को इतना फैंटेस्टिक एनर्जेटिक और माइंड ब्लोइंग बना देंगे हम लोग कि मजबूर हो जाओगे डेली क्लास में आने पर, और डेली इतने जबरदस्त मेथड मिलेंगे तो खुद ही आओगे यार, है ना। अब समझना लास्ट लेटर कहां से आया, एफ कहां से आया, 2 बार F है, क्यों F है, तो देखो 2 बार F कहां से आया, E से F, T का U, 2 बार F 2 बार U। आगे चलता हूं, ठीक है, अब देखो यहां फाइट है 5 लेटर वाला, तो 5 का 25 ये रहा, ठीक, 5 का 25, 2 का 4, 3 का 9, अब यहां तो नजर नहीं आ रहा,
ई का एफ, ई का एफ, टी का यू, टी का यू, कैसे चल रहा है बताओ? लास्ट लेटर प्लस वन तो दिख रहा था, लेकिन बेटा टी से ए कहां से आ गया? मुझे लग रहा है नंबर्स गड़बड़ आ गए। हाँ बताओ बताओ। गड़बड़ हो गया ना? ऑपोजिट माइनस वन, लास्ट लेटर माइनस वन इन रिवर्स। पकड़ लिया ना? क्योंकि हम लोग गलत तरीके से इसको देख रहे हैं। देखो दो वाले में अगर मैं बात करूं तो दो वाले का कौन सा था? यू वाला। ऐसे देखोगे तो फंस जाओगे। ई का अपोजिट होता है वी, माइनस वन यू। अब देखो समझना बहुत ध्यान से, गलतियों से सीखा करो। जो लोग बोल रहे थे सर एफ एफ तो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सीधा सीधा थोड़ी ना है। क्वेश्चन में क्या था? सेवन लेटर वाले का आंसर था बेटा यहां पर, तो टी का उल्टा जी माइनस वन एफ, टी का उल्टा जी माइनस वन एफ। चार वाले के लिए दो आंसर है, ये भी और ये भी, तो टी का उल्टा जी माइनस वन एफ, ई का उल्टा वी माइनस वन यू। और दो वाले के लिए लास्ट में है ई का उल्टा वी माइनस वन यू। तो है भैया लेटर्स है ऑपोजिट माइनस वन ऑफ लास्ट लेटर, ऑपोजिट माइनस वन ऑफ लास्ट लेटर। सही है, ध्यान रखना। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में 2000 लोगों से गलती करा देती हैं कि हाँ भैया निकाल तो लिया था, निकाल तो लिया था आंसर, लेकिन फिर भी क्या नजर आया? नहीं भैया नहीं, नहीं हो रहा। क्या था? सेवन वाले का आंसर कहां पर था? पहले। दो वाले का आंसर कहां था? लास्ट में। ये ध्यान रखिएगा, ये सिली मिस्टेक एग्जाम में होती है तो बहुत गड़बड़ करा देती हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से 30, और आज का बेस्ट क्वेश्चन। सर आखिरी क्वेश्चन में इनको दिखाता हूं, लेट्स हैव अ लुक। चलो भाई मजा आ जाएगा इसको करके। बढ़िया क्वेश्चन सर, ये आखिरी क्वेश्चन आज का और सॉलिड बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसका मेथड भी बिल्कुल डिफरेंट मेथड होगा, बिल्कुल डिफरेंट। जल्दी से देखकर बताओ। और सेशन को लाइक करे में मेरा मत भाग जाना। हो गया? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ लॉजिक, बताओ लॉजिक। मजा आ जाएगा इवन के लिए और ऑड के लिए। चलो इवन ऑड वाला तो मिल रहा है, आज इतना मैंने करा दिया इवन ऑड की, इवन ऑड तो मिल जाएगा। देखो ये तो आपको मिल गया आसानी से, सुन लो। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, सात मैं साइड में लिखता हूं। नंबर ऑफ लेटर 7 3 8 4, तो भैया 7 3 8 4 नंबर लिखा है। 8 16 9 21 9 21 8 16, सही बात। नंबर पता लग गया, 9 21 8 16 कहां से आया? इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 3।
इवन मल्टीप्लाई बाय दो, ऑड मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये तो हो गया। और अब देखो इवन के साथ क्या कौन सा सिंबल है, ऑड के साथ कौन सा सिंबल है। तो देखो जब भी ऑड नंबर लिखा रहा है 9 के साथ एट द रेट, 21 के साथ एट द रेट, तो इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई दो थी और सिंबल में क्या किया गया है, जहां पर इवन आएगा वहां आएगा हैश, जहां ऑड आएगा वहां आएगा एट द रेट। इवन में हैश, ऑड में एट द रेट। अब ये जो मुझे वी जी जी पी है ये बता दो बस, इसमें एक ही टफ है लेटर्स फाइंड करना, इसमें टफ है लेटर फाइंड करना, मुझे लेटर बता दो बस, लेटर्स का मेंशन कीजिए, लेटर्स के लिए क्या किया गया है, क्विकली कमेंट कर दो लेटर्स के लिए क्या किया गया है। फास्ट इवन है शी तो हो गया, लेटर्स के लिए बताओ मुझे। क्विकली क्विकली क्रैक द कोड। हाँ देखो ये आपको आंसर बताना लॉजिक, मैं मोबाइल में जरा कमेंट ये खींच लूं स्क्रीनशॉट। चलो बताओ लास्ट लेटर का ऑपोजिट प्लस वन, किसी ने लिखा। देखो यहां पर समझना, यहां पर गड़बड़ क्या होगी, तीन लेटर के साथ देखो पहले जी लिखा है, मैं इसको हटाता हूं पहले, अब बताता हूं कैसे कैसे चल रहा है। टी का उल्टा जी, सही है ठीक। आगे देखो ये तो समझ में आ गया, अब इसको देख लो एट द रेट पी को, 21 एट द रेट पी कहां से आया, इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्ट नहीं कीपिंग के लिए, कीपिंग के लिए भी नहीं, 7 1 1 2 3 4 5 6 7 कीपिंग के लिए था, कीपिंग। तो के का उल्टा पी, फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट नजर आ रहा है, यहां भी आया टी का उल्टा जी और यहां भी आया के का उल्टा पी, के का पी हो गया टी का जी हो गया। लेकिन जब हम यहां पर गए इंटरेस्ट में और रेट में, इंटरेस्ट और रेट, तो भैया ई का उल्टा वी और टी का उल्टा जी हुआ है, तो सुन लो इंटरेस्ट में हुआ है टी का उल्टा जी और ई का उल्टा वी। रीजन, रीजन इवन होगा तो लास्ट लेटर का अपोजिट, ऑड होगा तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट, समझ लो लेटर के लिए क्या करना है, इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए अलग लॉजिक और लेटर अगर आपके ऑड होंगे तो अलग लॉजिक, इवन के लिए अलग ऑड के लिए अलग। ये बताओ ये किस किसने क्रैक कर लिया था वो लिख दो, यस सर मैंने कर लिया था वो बताओ मुझे। इवन लेटर के लिए ऑपोजिट अलग है, ऑड लेटर के लिए ऑपोजिट अलग है, इवन के लिए कौन सा है बताओ, इवन नंबर ऑफ लेटर होंगे तो भाई हमने किया है लास्ट लेटर का ऑपोजिट, इवन होंगे तो लास्ट का, ऑड होंगे तो फर्स्ट का, क्लियर, यस और नो। थोड़ा डिफिकल्ट था सर, हाई लेवल लगा। अब सुनो देखो, अब फिर से मेरी बात सुनना, 6 क्वेश्चन हमने किए, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में क्या टास्क दिया है, सुन लो होमवर्क में टास्क दिया है सिंबल का ढूंढना है लॉजिक, क्योंकि विद इन टाइम में आप लोग नहीं ढूंढ पाए हो, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद, सुन लेना ध्यान से मेरी, अब ध्यान सुन लेना, बिना लाइक करे बना तो जाना मत, या डिसलाइक करे बिना एक तो जरूर करके जाना, या तो लाइक या डिसलाइक, सुन लो चीजों को ध्यान से, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास आज की कैसी लगी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, आई वॉन्ट टू नो योर फीडबैक, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर और साथ में आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को, समझ गए, आपका फीडबैक चाहिए मुझे, आपकी कमेंट चाहिए, लाइक करिए डिसलाइक कीजिए, कि आज की क्लास एक सिस्टमेटिक वे में थी, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डील किए डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट पैटर्न पर, वो कैसे लगे, और जो भी आप चाहिए पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पीडीएफ के लिए कमेंट करने से पहले सेशन के बारे में कमेंट होना चाहिए, सेशन के बारे में कमेंट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है भैया, सेशन का कमेंट और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सिंबल का लॉजिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे आगे, तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।